दुनिया की नजरों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने ये जोग है। एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है। अरिजीत सिंह के गीत के ये बोल एक प्रेमी जोड़े ने सच कर दिखाई हैं। जी हाँ, दो तरफा इश्क के संजोग का एक ऐसा ही मामला बिहार के नालंदा से सामने आया है, जहां अपनी प्रेमिका को किसी और से शादी के बंधन में बंधता देख दुल्हन के प्रेमी ने शादी के बीच में स्टेज पर चढ़कर शादी में आए सारे मेहमानों के आगे ही लड़की के गले में वरमाला पहना दी। प्रेमी युवक का इससे भी मन नहीं भरा तो उसने लड़की की मांग भरने की भी कोशिश की। स्टेज पर खड़ा दूल्हा खड़े खड़े तमाशा ही देखता रह गया, वहीं शादी में मौजूद लोग भी प्रेमी युवक का यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर हैरान रह गए। इसके बाद लड़की के परिजनों ने प्रेमी युवक की जमकर धुनाई कर डाली। इस पूरे ड्रामे के बाद दूल्हे ने भी शादी से इनकार कर दिया। दरअसल मामला हरनौत थाना के मुबारकपुर गांव का है। मुबारकपुर निवासी मुकेश बीते एक साल से अपने गांव की ही एक लड़की से प्यार करता था और लड़की भी मुकेश को चाहती थी। जैसे ही इस बात की भनक लड़की के परिवार वालों को लगी, वैसे ही लड़की का रिश्ता उसके परिजनों ने कहीं और पक्का कर दिया। लड़की की बारात उसके घर आई, युवती के परिजनों ने शादी का पूरा इंतजाम कर लिया था, सब कुछ सही चल रहा था। तभी अचानक सनकी प्रेमी हाथ में वरमाला और सिंदूर के साथ शादी समारोह में घुस जाता है और स्टेज पर चढ़ जाता है। इसके बाद तो सनकी प्रेमी लड़की को सबके आगे वरमाला ही पहना देता है और जैसे ही वो लड़की की मांग में सिंदूर भरने की कोशिश करता है, मौके पर मौजूद लोग उसकी पिटाई कर देते हैं। इस पूरे ड्रामे के बाद दूल्हा शादी से इनकार कर देता है और बिना दुल्हन के ही बारात वापस लौट जाती है। दूल्हे और वरपक्ष के नाराज होकर चले जाने से दुल्हन के परिजनों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद दुल्हन के घरवाले बेटी के सन के आशिक को जमकर पीटते हैं। प्रेमी मुकेश को घायल हालत में बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया। पूछताछ में प्रेमी युवक ने इस बात का खुलासा किया कि उसका गांव की ही लड़की के साथ पिछले एक साल से प्रेम प्रसंग था। जब इस बात का पता चला कि लड़की की शादी कहीं और तय हो गई है, तो युवती ने मुकेश से कहा कि तुम वरमाला के वक्त आकर मेरी मांग भर देना। वहीं युवती के परिजनों का आरोप है कि युवक झूठी बातें बता रहा है, युवती के साथ उसका कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। फिलहाल पुलिस को दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर मिली है और मामले की जाँच की जा रही है।